ओ जे मैं मरदा कोई मंगे चंद सहानू तैनू ऐदा रब कोड़ो यासी मंगया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विन वैष्णव जी का 14 मई को कोरबा और अंबिकापुर प्रवास का कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया गया है। वे यहां प्रस्तावित कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम में शामिल होंगे, यानी कि अब वो आएंगे नहीं लेकिन वर्चुअल माध्यम से वो शामिल होंगे। रेल मंत्री को दिल्ली में अचानक किसी कार्यक्रम के चलते छत्तीसगढ़ के कोरबा अंबिकापुर प्रवास का कार्यक्रम रद्द होने की बात बताई जा रही है। इस आशय की जानकारी रेल जोन मुख्यालय में पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार अब छत्तीसगढ़ का दौरा बाद में तय किया जाएगा। ज्ञात हो कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव अंबिकापुर में एक नई ट्रेन जो कि अंबिकापुर नई दिल्ली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे। वहीं कोयला लोडिंग को लेकर अंबिकापुर सहित कोरबा पहुँचाने का कार्यक्रम निर्धारित था। इसके बाद वे बिलासपुर होते हुए विशेष ट्रेन से रायपुर पहुंचने वाले थे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव 13 मई को दिल्ली से प्लेन से उड़ीसा के भुवनेश्वर पहुंचने वाले थे। यहां भाजपा की बैठक में शामिल होने के बाद तालचर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। कोल इंडिया NTPC और रेलवे के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद रात 9 बजे उड़ीसा के झारसुगड़ा पहुँचेंगे। रात 9 से 11 बजे तक झारसुगड़ा में बैठक और कोयला परिवहन व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसके बाद वे रात 11 बजे विशेष ट्रेन से अंबिकापुर के लिए रवाना होकर 14 मई की सुबह 8:30 बजे अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले थे और यहां सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सड़क मार्ग से कोरबा के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन अब उनके दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि स्थानीय कार्यक्रम यथावत रहेंगे, यानी कि अंबिकापुर से नई दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चल रही है ये ट्रेन चलेगी। वर्चुअल माध्यम से इसका फ्लैगिंग ऑफ किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि अब तक किसी अधिकारी ने नहीं की है। आपको बताते चले कि अंबिकापुर नई दिल्ली अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन का जो शुभारंभ किया जा रहा है, इस शुभारंभ में माननीय श्री अश्विन वैष्णव जी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इनके अलावा जो विशिष्ट अतिथि होंगे, माननीय श्रीमती रेणुका सिंह जी, राज्य मंत्री जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार। इनके अलावा श्री TS सिंहदेव जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के। जैसे हमको किसी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।